गुड मॉर्निंग क्लास थ्री. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर 12 एयर वाटर एंड वेदर. राहुल सेज टू रोहन, रोहन क्लोज द विंडो, यानी कि रोहन विंडो बंद कर दीजिए. द विंड इज ब्लोइंग फास्ट, यानी कि हवा बहुत तेज चल रही है. इट कैन ब्रेस द विंडो पेन्स, यानी कि ये जो विंडो के दरवाजे हैं उनको, शीशे हैं उनको तोड़ देगी. देन रोहन सेज आई हैव ऑलरेडी क्लोज द विंडोज, मैंने पहले से ही विंडो को क्लोज कर दिया है. I don't understand that what this wind is. कि मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि हवा क्या है, विंड क्या है. राहुल says to Rohan, moving air is called wind. यानी कि जो मूव करती हुई, घूमती हुई हवा होती है, हम उसको क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं. Air is all around us. Air हमारे चारों तरफ होती है. बट वी कैन नॉट सी इट, लेकिन हम इसको देख नहीं सकते हैं. देन रोहन सेज एंड वॉट इज ब्रीज, और वो ब्रीज क्या होता है. राहुल, सॉफ्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड ब्रीज, यानी कि जो सॉफ्ट, बहुत हल्की हल्की हवा चलती होती है, घूमते हुए, उसको हम ब्रीज बोलते हैं. यू मस्ट हैव सीन ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, यानी कि यू मस्ट हैव सीन ब्रांचेज ऑफ ट्रीज मूविंग. जब आप देखते हो कि जो ट्री की ब्रांचेस होती है मूव कर रही होती है. एंड क्लोथ्स ड्राइंग इन द सन, और जब क्लोथ्स को हम सन की सनलाइट में ड्राई करते हैं. दे ऑल मूव बिकॉज ऑफ ब्रीज, वो किस चीज से मूव करते हैं, ब्रीज से. देन रोहन सेज व्हाट इज द एयर मेड अप ऑफ, एयर किस चीज से बनी होती है. राहुल, देन राहुल सेज एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, जो एयर होती है वो कई गैसेस का मिक्सचर होती है. लाइक नाइट्रोजन, जैसे कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस लाइक नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. इट ऑल्सो कंटेन्स डस्ट, वाटर वेपर, और क्या होता है इसके अंदर, डस्ट होती है, वाटर वेपर होता है एंड जर्म्स, और इसके अंदर कुछ जर्म्स भी होते हैं. नेक्स्ट, यूजेस ऑफ एयर, यानी कि एयर के क्या क्या यूज होते हैं, हवा से हम क्या क्या वर्क कर सकते हैं. एयर कैन मूव थिंग्स लाइक हॉट एयर बैलून्स, यानी कि एयर जो होती है वो कई सारी चीजों को मूव कर सकती है, जैसे कि हॉट एयर बैलून्स, यानी कि गर्म हवा का गुब्बारा जो होता है. सेल बोट्स, नाव, विंडमिल्स होती हैं, हवा से चलने वाली मिल्स होती हैं. ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन, यानी कि सभी जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं, वो अपने अंदर ऑक्सीजन को ब्रीथ करती हैं, यानी कि उसके अंदर ऑक्सीजन होती है. जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं, वो ऑक्सीजन लेती हैं अपने अंदर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या करती हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है. ठीक है, प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अच्छा, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम बाहर छोड़ते हैं, और उस गैस को क्या करते हैं, प्लांट्स यूज करते हैं. प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज करते हैं. नाउ वाटर, वाटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिक्विड, पानी जो होता है बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट लिक्विड होता है, एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लिक्विड होता है ऑन द अर्थ, हमारी इस पृथ्वी के ऊपर. नो लिविंग थिंग कैन लिव विदाउट वाटर, कोई भी लिविंग थिंग पानी के बिना नहीं रह सकती है. देर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर, यानी कि तीन फॉर्म होती हैं पानी की. नंबर वन सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म क्या होती है पानी की, आइस. नंबर टू लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म क्या होती है, वाटर. नंबर थ्री गैसियस फॉर्म, गैसियस फॉर्म होती है वाटर, वेपर. क्या दीज आर द थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर, आइस, वाटर एंड वाटर वेपर. ठीक है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. नाउ वाटर साइकिल, वाटर कीप्स चेंजिंग इट्स फॉर्म इन नेचर ऑल्सो, यानी कि ये वाटर जो होता है पानी, अपनी फॉर्म को चेंज कर लेता है नेचर में. इनकी सबकी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं. ठीक है, व्हेन द सन शाइन्स, जब सूरज चमकता है, तो दैट वाटर फ्रॉम द वाटर बॉडी चेंज टू वेपर, जो वाटर का वाटर होता है, वाटर बॉडी का, वो वेपर में चेंज हो जाता है. एंड राइजेज हाई इन द स्काई, और स्काई के अंदर ऊंचे उड़ता है. After coming in contact with cold air, और जब cold air होती है, cold air के contact में आने पे, vapor cool down, जो vapor होते हैं वो cool down ठंडे हो जाते हैं.
टू फॉर्म टिनी ड्रॉपलेट्स, और उसके बाद वो क्या करता है, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स को बनाते हैं ऑफ वाटर, विच ज्वाइन टू फॉर्म क्लाउड्स, जो कि क्लाउड्स को फॉर्म करती है। वेन द क्लाउड्स बिकम टू हैवी, और जब क्लाउड्स बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं, दे फॉल डाउन एज रेन, वो क्या होता है, रेन के फॉर्म में गिरने लगते हैं। हैंस द वाटर साइकिल इन द नेचर गोज ऑन द ऑन, जबकि जो वाटर साइकिल होता है नेचर में गोज ऑन एंड ऑन, और वो चलता ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट वेदर, वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे एंड इवन फ्रॉम आवर टू आवर। देखो जो वेदर होता है हमेशा हर एक दिन अलग अलग होता है और हर घंटे चेंज होता रहता है, यानी कि हमेशा एक सा मौसम रहता है, एक यानी कि मॉर्निंग में कुछ है, दोपहर को कुछ हो गया, आफ्टरनून में कुछ हो गया, और इवनिंग में वो वेदर फिर से चेंज हो जाता है। ठीक है, मतलब वेदर जो होता है हर घंटे चेंज होता रहता है। द वेदर कैन बी हॉट कोल्ड सनी विंडी क्लाउडी और रेनी, जो ये वेदर होता है मौसम होता है वो गर्म होता है, ठंडा होता है, सनी होता है, विंडी हवा वाला होता है, क्लाउडी बादल वाला होता है, और रेनी होता है इसमें कि बारिश आती है। द वेदर चेंजेस आर ब्रॉट अबाउट बाय द सन, जो वेदर का चेंज होता है आर ब्रॉट आता है अबाउट बाय द सन, सन के द्वारा। द विंड द रेन एंड द क्लाउड, व्हेन द विंड ब्लोज वेरी फास्ट अकॉम्पनीड बाय रेन और स्नो इट इज नोन एज स्टॉर्म, यानी कि क्या होता है कि द वेदर चेंजेस आर ब्रॉट, जो वेदर का चेंज होता है वो किससे होता है, हमेशा सन से होता है। द विंड एंड द रेन, सन वेदर को चेंज करने वाली जो कंडीशन होती है सन विंड और रेन होती है। ठीक है, और एक क्लाउड्स होता है। व्हेन द विंड ब्लोज वेरी फास्ट, जब देखो विंड बहुत तेजी से चलती है, जब हवा बहुत तेजी से चलती है, अकॉम्पनीड बाय रेन और स्नो, यानी कि रेन और स्नो के साथ, इट इज नोन एज स्टॉर्म, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉर्म बोलते हैं। दे कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज, उससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। दे कैन अपरूट ट्रीज, जो स्टॉर्म होता है, स्टॉर्म क्या करता है, जितने भी ट्रीज होते हैं उनको जड़ से बाहर निकाल देता है। एंड ब्रेक हाउसेज, और जो घर होते हैं उन घरों को तोड़ देता है। रेन ऑल्सो इफेक्ट वेदर, जो रेन होती है वो हमेशा वेदर को इफेक्ट करती है। फार्मर्स वेलकम द रेन बिकॉज इट इज गुड फॉर क्रॉप्स, यानी कि जो फार्मर होते हैं, जो किसान होते हैं, वो हमेशा रेन का वेलकम करते हैं, बारिश का स्वागत करते हैं, क्योंकि बिकॉज इट इज गुड, क्योंकि ये अच्छा है फॉर द क्रॉप्स, क्योंकि ये क्रॉप्स के लिए अच्छा होता है। बट टू मच रेन कॉजेज फ्लड्स, लेकिन बहुत ज्यादा बारिश क्या होता है, फ्लड का कारण हो जाती है, बाढ़ का कारण होती है। फ्लड्स डैमेज क्रॉप्स, जो फ्लड होती है, बाढ़ होती है, वो क्रॉप्स को डैमेज कर देती है। बिल्डिंग्स रोड्स एंड इवन हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस, क्या क्या डैमेज करती है जो ये फ्लड होती है। फ्लड मीन्स होता है बाढ़, जब बहुत ज्यादा पानी पानी हो जाता है हर तरफ, बारिश के आने से हर तरफ पानी पानी हो जाता है, उसको हम फ्लड बोलते हैं। फ्लड डैमेज क्रॉप्स, जो बाढ़ होती है यानी कि पानी होता है बारिश का, बहुत ज्यादा पानी जो होता है क्या क्या डैमेज करता है, क्रॉप्स, क्रॉप मीन्स होता है फसल जो फार्मर्स ग्रो करते हैं जिसको। बिल्डिंग्स डैमेज हो जाती है। रोड्स, रोड मतलब सड़कें। एंड इवन हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस, यानी कि हजारों के गांवों के गांव डैमेज हो जाते हैं इससे। इफ देयर इज वेरी लेस रेन और नो रेन, जबकि बहुत ज्यादा लेस रेन, बहुत इफ देयर इज, यदि बहुत कम पानी होता है और बारिश नहीं होती है, तो इट इज कॉल्ड इज ड्रॉट, ये किसका कारण बन जाती है, ड्रॉट में सूखे का कारण बन जाती है। ड्रॉट प्लांट्स एनिमल्स एंड इवन ह्यूमन बींग्स डाई ड्यूरिंग ड्रॉट्स, यानी कि जो ड्रॉट होता है, सूखा जब पड़ जाता है, तो उसमें क्या होता है, प्लांट्स पौधे जानवर और इवन ह्यूमन बींग्स यानी कि इंसान डाई मर जाते हैं ड्यूरिंग ड्रॉट, सूखे हुआ होने की वजह से, ड्यू टू लैक ऑफ फूड एंड वाटर, जब पानी की और खाने की कमी हो जाती है, तो इसकी वजह से प्लांट्स एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स सब सूखे के कारण से मर जाते हैं, इसमें कि क्या होता है, इसमें खाने की और पानी की कमी हो जाती है ड्रॉट के अंदर। नाउ वेदर इफेक्ट्स आर लाइफ, जो वेदर होता है, मौसम होता है, हमारी लाइफ को इफेक्ट करता है। आर होल लाइफ स्टाइल डिपेंड्स ऑन वेदर, जो हमारी पूरी लाइफ स्टाइल होती है वो वेदर पे, मौसम पे डिपेंड करती है। वॉट
वी ईट जो हम खाते हैं, ड्रिंक पीते हैं, वियर पहनते हैं, एंड एंजॉय जो एंजॉय करते हैं, डिपेंड्स ऑन द वेदर वो हमारे मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। पीपल इवन बिल्ड देयर हाउसेज यानी कि जो लोग होते हैं वो अपने घरों को बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द वेदर मौसम के अनुसार, उस जगह का मौसम जैसे होता है उसके अनुसार अपने घर बनाते हैं लोग, ठीक है। यानी कि जिस जगह बहुत ज्यादा वो होती है सर्दी होती है या जिस जगह बहुत ज्यादा रेन होता है तो उस जगह क्या बनाते हैं लोग, वहां स्टिल्ट हाउसेस बनाते हैं, और जहां पे बहुत ज्यादा बर्फ होती है वहां पे क्या बनाते हैं, इग्लूज बनाए जाते हैं। तो वेदर के अकॉर्डिंग जिस जगह का जैसा क्लाइमेट होता है वेदर के अकॉर्डिंग ही घर बनाए जाते हैं वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सीजन। सीजन यानी कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ मैनी सीजन, यानी कि हमारे इस इंडिया के अंदर बहुत सारे मतलब कितने कई सीजन होते हैं। द मेन सीजन ऑफ इंडिया आर यानी कि जो इंडिया है हमारा भारत है उसके जो मेन सीजन होते हैं कौन कौन से होते हैं, समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन, यानी कि ये तीन सीजन होते हैं इसके हमारे इस इंडिया के। नाउ समर सीजन, समर सीजन क्या होता है, समर सीजन कब से कब तक होता है, अप्रैल मई जून, ये थ्री मंथ्स जो होते हैं ये समर सीजन के होते हैं, ये थ्री मंथ्स कौन कौन सा, अप्रैल मई और जून। विंटर सीजन क्या होता है, विंटर सीजन होता है सर्दियों का सीजन, यानी कि जिस मौसम के अंदर सर्दी होती है उसको हम बोलते हैं विंटर सीजन। नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये थ्री मंथ्स होते हैं इसमें विंटर सीजन के। तो थ्री मंथ्स के अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा कोल्ड होता है, बहुत ज्यादा ठंड होती है। नेक्स्ट है आपका मॉनसून, मॉनसून सीजन। मॉनसून सीजन होता है बारिश का सीजन, यानी रेनी सीजन भी बोलते हैं इसको। तो जो रेनी सीजन होती है इस सीजन में बारिश बहुत ज्यादा होती है। तो इस सीजन के जो मंथ्स है वो कौन कौन से हैं, इस सीजन के मंथ्स हैं जुलाई, अगस्त और सितंबर। दीज थ्री मंथ्स आर ऑफ मॉनसून सीजन, ये मॉनसून सीजन के मंथ्स होते हैं यानी कि रेनी सीजन के मंथ्स हैं। नाउ स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन कब से कब तक होता है, फरवरी और मार्च, ये दोनों मंथ्स के सीज के हैं स्प्रिंग सीजन के होते हैं, ठीक। ना ऑटम सीजन, ऑटम स्प्रिंग सीजन में क्या होता है कि मौसम ना तो बहुत ज्यादा सर्दी का होता है ना गर्मी का होता है, नॉर्मल मौसम होता है इसमें। ऑटम सीजन, ऑटम सीजन होता है पतझड़ वाला सीजन जिसके अंदर क्या होता है मोस्टली लीव्स आर फॉलन डाउन, जो जिसमें की जो लीव्स होती हैं वो पेड़ के पत्ते सूख जाते हैं, ये वो मंथ होता है अक्टूबर एंड नवंबर। वी वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, देखिए हम जो है कई तरह के क्लोथ्स पहनते हैं इन डिफरेंट सीजन, और अलग अलग सीजन में हम अलग अलग तरह के सीजन वो क्लोथ्स पहनते हैं। जैसे कि कौन कौन से सीजन होते हैं, समर, विंटर और रेनी सीजन होता है, तो हम इन तीनों सीजन में डिफरेंट डिफरेंट क्लोथ्स पहनते हैं, ठीक है, अलग अलग क्लोथ्स पहनते हैं। पीपल वियर लाइट कलर कॉटन क्लोथ्स इन समर, यानी कि लोग लाइट कलर के कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं समर में यानी कि गर्मियों में, एंड डार्क कलर्ड वूलन क्लोथ्स इन विंटर, और डार्क कलर के वूलन क्लोथ्स कब पहनते हैं, विंटर में पहनते हैं। द वेदर इज वेरी प्लीजेंट, जो मौसम होता है बहुत ज्यादा अच्छा लगता है इन स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन में मौसम बहुत अच्छा होता है यानी कि ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है बहुत ज्यादा, ठीक है, इन स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। स्प्रिंग सीजन में और ऑटम सीजन में मौसम कूल होता है। सो मैरिजेस, पार्टीज एंड पिकनिक्स आर मोस्टली प्लान्ड इन दिस सीजन, यानी कि इस सीजन में क्या क्या होता है, मैरिज अरेंज की जाती है, पार्टीज होती हैं और पिकनिक होता है मोस्टली, कहाँ होता है, हम घूमने फिरने का प्लान बनाते हैं जो स्प्रिंग सीजन होता है। ना क्विक स्क्रोल, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, यानी कि जो चलती हुई घूमती हवा होती है उसको हम क्या कहते हैं, विंड बोलते हैं। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, जो एयर होती है वो कई गैसेस का मिक्सचर होती है, डस्ट एंड वाटर वेपर, डस्ट और वाटर वेपर होता है उसके अंदर। वाटर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिक्विड ऑन द अर्थ, जो पानी होता है बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट लिक्विड होता है हमारे इस अर्थ के ऊपर। वाटर साइकिल गोज ऑन एंड ऑन इन द नेचर, यानी कि वाटर साइकिल जो होता है इस नेचर में मूव ऑन करता रहता है, चलता रहता है, यानी कि वाटर मूव करता है ऊपर स्काई में चला जाता है वाटर वेपर में कन्वर्ट होके, फिर वापस से क्या होता है जब ऊपर कलेक्ट हो जाता है तो क्या होता है, ऊपर कलेक्ट होने के बाद जब बहुत ज्यादा कलेक्ट हो जाता है रेन की फॉर्म में वापस से नीचे आ जाता है। देन वाटर साइकिल गोज ऑन एंड ऑन इन द नेचर, वेदर डिपेंड्स ऑन सन,
विंड, रेन एंड क्लाउड्स, जो हमारा वेदर होता है वो हमेशा इन चीजों पर डिपेंड करता है। किस कौन कौन सी चीजें हैं वो, सन, विंड, रेन एंड क्लाउड्स। ओके चिल्ड्रन, नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीट। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।